जो आज मैं आपको व्याकरण वर्ग का संज्ञा और उसकी परिभाषा के बारे में एक जानकारी दे देती हूँ। आइए जानेंगे। पहले संज्ञा किसे कहते हैं जानेंगे। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान तथा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम वाराणसी, महल बहादुरी, रामायण आदि संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के पांच भेद होते हैं। हिंदी में मुख्य रूप से संज्ञा के पांच भेद माने जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। पहला तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान आदि का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी उदाहरण के लिए देख लीजिए, राम कृष्ण सीता गंगा यमुना गोदावरी काशी कलकत्ता दिल्ली हिमालय सातपुर आदि। दूसरा तो जातिवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से एक ही जाति के अनेक प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए कलम पुस्तक दूध कुर्सी घर विद्यालय सड़क बाग पहाड़ कुत्ता हाथी गाय बैल आदि होते हैं। आगे भाववाचक संज्ञा। इस भाववाचक संज्ञा शब्द से किसी के गुण दोष दशा स्वभाव भाव आदि का बोध होता है से हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सच्चाई ईमानदारी गर्मी वीरता लड़कपन सुख बुढ़ापा हरियाली जवानी गरीबी आदि होती है, इसे हम महसूस कर सकते हैं। अब समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़ सेना जुलूस के आदि होते हैं। आगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो शब्द किसी द्रव्य पदार्थ या धातु आदि का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्टील घी सोना दूध पानी लकड़ी आदि होते हैं। आज हम संज्ञा और उसकी परिभाषा के बारे में जानकारी तो ले ली है। अगले वीडियो में नया शीर्षक को लेके आती हूँ। तब तक धन्यवाद बच्चों। Like button, share and do subscribe.